17 अप्रैल की रात अचलपुर में हुई गुटिया हिंसा के बाद उपजे सांप्रदायिक तनाव के मामले में पुलिस ने 3 अलग अलग मामले दर्ज करते हुए कुल 27 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिसमें पहले गिरफ्तार किए गए 24 आरोपियों को 21 अप्रैल को अचलपुर कोर्ट ने जेल भेजने का फैसला सुनाया। वहीं बाद में गिरफ्तार किए गए 3, जिसमें पूना से हिरासत में लिए गए अचलपुर भाजपा के शहराध्यक्ष अभय माथने को शुक्रवार अचलपुर पुलिस ने दोबारा कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट ने अभय माथने सहित अन्य 2 को जेल भेजने का फैसला सुनाया। इस समय अचलपुर कोर्ट परिसर में अचलपुर तहसील सहित अमरावती जिले के बहुतांश शहरी एवं ग्रामीण भाजपा पदाधिकारी सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ उपस्थित थे। इस मामले में अभय माथने सहित मामले में लिप्त कुल 27 आरोपी अब जेल की सलाखों के पीछे होंगे। दूसरी ओर घटना के 5वें दिन जुड़वा शहर में हालात सामान्य होने का चित्र है। शुक्रवार से अचलपुर परतवाड़ा सहित देवमाली कांडली परिसरों में लगी धारा 144 को दिन में हटा लिया गया है। वहीं अगले आदेश तक इन क्षेत्रों में रात का कर्फ्यू जारी रहेगा। धारा 144 में मिली दिन की शिथिलता के बाद जुड़वा नगरी का बाजार पूरी तरह से पूर्ववत हुआ। वहीं पिछले 4 दिन से बंद पड़े स्कूल कॉलेज सुचारू रूप से खुलने से पालकों सहित छात्रों में राहत महसूस की गई है। जय कुमार घिया के साथ पंकज साबू, विदर्भ न्यूज़, अचलपुर।